वेलकम बैक, आई एम राजकुमार शर्मा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री क्या होती है? वो सारे बिजनेस जो रॉ रिसोर्सेज को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, वो सब इंडस्ट्री में आते हैं। इसे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का एक दूसरा मतलब ये भी होता है कि जब अलग अलग कंपनीज एक ही टाइप का सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट या सर्विस देती है तो वो सब मिलकर एक इंडस्ट्री को बनाती है। फॉर एग्जांपल, वो सभी कंपनीज जो गाड़ियां बनाती है वो सब आ जाती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। वो सभी कंपनीज जो टेक्सटाइल का बिजनेस करती है वो सब आ जाती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। खैर, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्री के बारे में। प्राइमरी इंडस्ट्री में वो बिजनेस आ जाते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं या एनिमल्स या प्लांट्स का डेवलपमेंट या रिप्रोडक्शन करते हैं। इसकी भी दो अलग अलग कैटेगरी है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में वो बिजनेस आ जाते हैं जो नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं या उनका यूज़ करके प्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइनिंग करना, ज़मीन से कच्चा तेल निकालना, ज़मीन से आयरन निकालना, इस तरह के सारे बिजनेस एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आ जाते हैं। दूसरी कैटेगरी है जेनेटिक इंडस्ट्री। इसमें वो बिजनेस आते हैं जो एनिमल्स या प्लांट्स का डेवलपमेंट या रिप्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नर्सरी, इस तरह के बिजनेस जेनेटिक इंडस्ट्री में आ जाते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री की। इसमें वो बिजनेस आते हैं जो रॉ मटेरियल को एक वैल्यूएबल, एक यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसकी भी दो अलग अलग कैटेगरी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। इसकी भी चार अलग अलग कैटेगरी है, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और असेंबलिंग इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री में वो बिजनेस आते हैं जो एक प्रोडक्ट से कई तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब हमारा जो रॉ मटेरियल है उस एक रॉ मटेरियल से हम कई तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कच्चे तेल से पेट्रोल भी बना रहे हैं, डीजल भी बना रहे हैं, तो इस तरह के बिजनेस आ जाते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री के अंदर। सिंथेटिक इंडस्ट्री में वो बिजनेस आते हैं जो कई तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स को मिलाकर एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर मेरी एक बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, मैं कहीं से चीनी ला रहा हूँ, कहीं से आटा ला रहा हूँ और उन सबको मिलाकर बिस्किट तैयार कर रहा हूँ, तो इस तरह के बिजनेस आ जाते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री के अंदर। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में वो बिजनेस आ जाते हैं जो रॉ मटेरियल को अलग अलग प्रोसेस से गुजार कर, अलग अलग स्टेजेस से गुजार कर उसे एक वैल्यूएबल, एक यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। असेंबलिंग इंडस्ट्री में वो बिजनेस आ जाते हैं जो अलग अलग जगहों से पार्ट्स लाकर उन्हें आपस में असेंबल करके उन्हें जोड़कर एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑटोमोबाइल कंपनी, कहीं से टायर आ रहा है, कहीं से स्टीयरिंग आ रही है, उन अलग अलग जगहों से पार्ट्स आ रहे हैं और उन्हें मिलाकर हम एक कार को तैयार कर रहे हैं। और जैसे स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनीज, अलग अलग जगहों से पार्ट्स लाकर उन्हें असेंबल करके स्मार्टफोन तैयार किया जाता है, तो इस तरह के बिजनेस असेंबलिंग इंडस्ट्री में आ जाते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री की दूसरी कैटेगरी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की। इसमें वो सारे बिजनेस आ जाते हैं जो किसी ना किसी तरह का निर्माण का काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, फ्लाईओवर बनाना, इस तरह के सारे बिजनेस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ जाते हैं। अब बात करते हैं टर्शियरी इंडस्ट्री की। वो सारे बिजनेस जो प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सब आ जाते हैं टर्शियरी इंडस्ट्री के अंदर। मान लीजिए प्राइमरी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल सेकेंडरी इंडस्ट्री के पास पहुंचाना है और सेकेंडरी इंडस्ट्री को फिनिश्ड प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो इसके लिए उन्हें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो ये ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करने वाला बिजनेस है वो आ जाएगा टर्शियरी इंडस्ट्री के अंदर। इसमें और भी कई तरह की सर्विसेज आ जाती है, जैसे बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग एट्सेट्रा। तो कुल मिलाकर टर्शियरी इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है जिससे कि उनका बिजनेस स्मूथली चलता रहे। तो ये एक छोटा सा वीडियो था इंडस्ट्री के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।